TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. मैं कोर्ट नहीं आ रही हूँ आपके साथ. क्यों? मैं यहाँ रुककर मंदिर में वीनू की सलामती के लिए पूजा करना चाहती हूँ और मैं तब तक पूजा करूंगी जब तक आप मुझे फोन करके ये नहीं कह देते कि वीनू आपके साथ आ रहा है. चलिए. पापा, आज तुझे चमत्कार दिखाना होगा. तुझे मेरे वीनू को उस जेल से रिहा करना होगा. कैसी हूँ मेरे घर में आने की? हाँ, क्यों मार रहे थे? कौन है? पहचाना मुझे? मैं इस घर का बेटा हूं और आप मेरे पापा हैं. अब तक मेरे हिस्से का प्यार और परवरिश तू जी रहा था. मेरा बर्बाद बचपन और मोहताज जिंदगी का कारण तू है. मेरे हिस्से की खुशियां तू जी रहा था और मैं तुम सब लोगों का दिया हुआ दर्द. लेकिन अब सब बदलेगा. अब वो होगा जो मैं चाहूंगा. तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे बस एक हक है मेरा सिद्धि. कार के ड्राइवर का नाम कबीर शेखावत है. कबीर शेखावत कौन है? जो कोई भी है, ये इंसान माँ से जुड़ा और इसी को माँ ने कहा होगा मेरा पर्स चुराने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि रुद्र उनके इस खेल में बहुत पहले से शामिल है. तुम मंजरी माँ से पहली बार कब मिले और तुम्हें कब पता चला कि तुम ही रुद्र कुंद्रा हो? तुम्हारा कल्याण हो, सदा सौभाग्यवती रहो. अनर्थ, घोर अनर्थ. सिद्धि और विनायक के जीवन पर ये काला साया कौन है? के दामन में बाकी जैसे रिश्ते हैं. कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं. मैं ये होने नहीं दे सकता. इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी विन के नाम जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए. बिल्कुल सही कह रही हैं दादी. इससे पहले कि माँ ये सारी प्रॉपर्टी अपने सगे बेटे रुद्र के नाम कर दे, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा. दोनों इतने लेट कैसे हो गए? हाँ, लेट तो होंगे दोनों. रात भर चित्रहार जो पेश किया. और वैसे भी गुरुजी के सारे आदेश का पालन किया जा रहा है. क्या रुद्र, तू भी ना? गौरी भाभी कहाँ हैं आप? गौरी भाभी. हाँ सिद्धि, बोलो. गौरी भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है. सिद्धि, तुमने कहीं सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, अब तक तो नहीं बताया है. लेकिन आप कहो तो मैं अभी जाकर बता. नहीं, नहीं, नहीं,
सिद्धि नहीं सिद्धि नहीं, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे इस घर में मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है, और अगर तुमने सबको सब कुछ बता दिया तो प्लीज सिद्धि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, मैं सब कुछ भी नहीं करने जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ घर वालों की नजर में आपकी इज्जत पहले से भी दुगनी हो जाए। लेकिन ये सब कैसे होगा सिद्धि? मनबीर भैया को जेल से बाहर निकालकर। मनबीर भैया बेकसूर हैं और मैं आपकी मदद करूंगी मनबीर भैया को जेल से बाहर लाने में। अगर आपकी कोशिशों से मनबीर भैया जेल के बाहर आते हैं तो घर वालों की नजर में अपने आप आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है सिद्धि? थैंक यू सिद्धि। पर सिद्धि तुम्हें कैसे पता कि मनबीर जी बेकसूर है? मुझे सब पता है, आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। एक और बात, अब मैं आपको जो कहूंगी वो आपको करना है बिना कोई सवाल के। हाँ हाँ सिद्धि, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी आप जाइए किचन में। पूरी बात तो सुन लीजिए, अभी आप किचन में जाइए और मंजरी माँ के लिए उनका फेवरेट सूप बनाइए। चाची जी के लिए सूप? सवाल नहीं। ठीक है। सूप तो एकदम मस्त साला होता। हूँ अरे देवा, अपना घर साफ करने के लिए हाथ तो गंदा करना ही पड़ेगा। माँ आज मैंने आपके सामने आपका ही तरीका अपनाया है, क्योंकि आज मेरे लिए तरीके से ज्यादा नतीजा मायने रखता। शादी का पहला ही पड़ाव होता है सुहाग रात। अब मैं अपने इस डर से कैसे लड़ूं? हमारा लॉकेट, लॉकेट कहाँ गया? शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। मुंबई और अखिलेश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए तैयार। अजीब सा सपना देखे है, हमको ऐसा घर लग रहा है कि इरा जी कोनू संकट में है, उनके साथ कुछ गलत होने वाला। एक काम करते हैं, हम इरा जी से मिलकर ही आते हैं। जब तक हमारा लॉकेट नहीं मिलता कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। माँ लेकिन हमका कोनू जरूरी काम से बाहर जाना है। हम जब तक लॉकेट हमको नहीं मिलता ना, अम्मा कसम खा के कह रहे हम दीवार के साथ पटक पटक के खर्च हो जाएंगे। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। अभी दूल्हा तैयार हो जाएगा एकदम। कौन कमरा हमरा बता दीजिए। अगर हम चीखे चिल्लाए तो क्या पता हमारी आवाज माही के कानों तक पहुंच जाए। माही, माही, तुम हमारी बात सुन सकते हो क्या? माही हम यहाँ है, हम बिट्टी है। माही तुम हमें सुन सकते हो क्या? माही, माही। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि हमने बिट्टी जी की। मैं जी एक ना बिजनेस प्रपोजल लेके आया हूँ यहाँ पे। मैं ना दुबई में एक बहुत बड़ा होटल खोलना चाहता हूँ, वो भी आप लोगों के साथ मिलके। ठीक है, हम आ जाएंगे। भाभी जी आपके बनाए खाने का तो मैं दीवाना हो गया। कसम से अगर आपकी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तो रिश्ता लेके आ जाते आपके घर। भगवान हो तो बोलो, तुम वृंदावन वासियों के लिए क्या कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इनकी जो आवश्यकता है मैं वो सब पूर्ण कर सकता हूँ। वृंदावन वासियों का भगवान बना बहरूपिया पौंड्रे सभी को धर्म कर्म के मार्ग से भटकाता है, जिससे कान्हा भी गांव वालों को समझाने में होते हैं असफल। सुदामा के शिक्षित ब्राह्मण के पथ में रुकावट बन मिलता है एक दानव। अब किस प्रकार सहायता करते हैं कान्हा?
बेशर्मी की भी हद होती है अनुराग बाबू। इस मोहल्ले वाले मोबाइल ग्रुप में हमारी बहन बेटियां भी हैं। लेकिन हुआ क्या है? हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप देख लीजिए, अपनी आंखों से अपने फोन में देख लीजिए, क्या किया है आपके लाडले बैजू ने। अब सृष्टि बैजू को कभी माफ नहीं करेगी। इस जीत का तो आज जश्न होना चाहिए।